दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ऑनलाइन बायोलॉजी क्विज सीरीज का प्रारंभ किए हुए हैं। ऑनलाइन बायोलॉजी क्विज के अंतर्गत उन प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमने ऑनलाइन बायोलॉजी क्विज का प्रारंभ किया हुआ है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा क्विज। लेकिन क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखें तो मेरी वेबसाइट www.biologyextra.com पर विजिट करें और वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों की सीरीज को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपापचयी दर सर्वाधिक होती है चूहे में, मनुष्य में, हाथी में या बंदर में। देखिए, अगर आप सबसे पहले समझ ले उपापचयी क्या कहलाता है। उपापचयी का मतलब है शरीर के अंदर होने वाली ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का योग जिसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ और जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है, वही उपापचयी कहलाता है। और उपापचयी आपको मालूम है कि ये दो भागों में बटा होता है, ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो इसके जो दर होती है वह सर्वाधिक जो है वो होती है चूहे में। किसमें होती है भाई, अब देखिए, तो इसकी जो सर्वाधिक जो दर होगी वो किसमें होगी, चूहे में होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा भाई, चूहा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन से एटीपी के कितने अणु उत्पन्न होते हैं। अर्थात कहने का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा तो उस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कितने एटीपी जनरेट होगी। आपके ऑप्शन है 11, 12, 36 या 38। एक्चुअल में अगर आप पूरी ओवरऑल प्रोसेस को देखें तो यहाँ पर 40 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन चूंकि 2 एटीपी यूज़ हो जाती है इस कारण से जो नेट गेन है वो 38 एटीपी का होता है। तो 38 एटीपी का होता है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब होगा 38 एटीपी। कितने एटीपी, 38 एटीपी इसका सही जवाब होगा। तीसरा देखिए, उपापचयी के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। भाई मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप क्या होगा, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को रखा किस रूप में जाएगा, स्टोर किस रूप में की जाएगी। आपके ऑप्शंस है पायरुविक अम्ल, एटीपी, एडीपी या ग्लूकोज। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है एटीपी। एटीपी के रूप में ये जो ऊर्जा है उसको संचित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है। कोबाल्ट धातु आपके ऑप्शन है विटामिन B1, B12, B6 या B2। और इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका B12। इसका सही जवाब क्या है भाई, B12। चलिए देखिए आगे, कि शरीर के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, उसका आपको कारण बताना है। शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है या तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और इसका जो सही जवाब है वह है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। चलिए आगे देखें, अंकुरित परागकण क्या है। अंकुरित परागकण क्या है, नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, नर बीजाणुद्भिद, मादा बीजाणुद्भिद। आपको ऑप्शंस में चुनना है, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, मेल स्पोरोफाइट्स, फीमेल स्पोरोफाइट्स। और इसका जो सही जवाब है, ये सही जवाब है मेल गेमेटोफाइट।
फाइट। इसका सही जवाब क्या है भाई? मेल गेमेटो फाइट। चलिए आगे देखिए एक और प्रश्न। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्राय होता है। जो भ्रूण कोष होता है वह भ्रूण कोष कैसा होता है? अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या किसी भी प्रकार का नहीं होता या होता है? तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वह है कि यह कैसा होता है? द्विगुणित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी के रूप में होता है तो उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होता है भाई? एटीपी से एडीपी बनता है ना, तो यहाँ पर क्या बनता है आपको देखना है। हार्मोन बनता है, ऊर्जा मुक्त होती है, एंजाइम मुक्त होती है या विद्युत मुक्त होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका कि ऊर्जा मुक्त होती है ना। आगे देखिए। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए के रूप में, आरएनए के रूप में, प्रोटीन के रूप में या लाइसोजाइम के रूप में? और इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो क्या है? आरएनए। किसके रूप में हो रहा है भाई? इसका सही जवाब क्या है? आरएनए के रूप में हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जो पादप वायरस हैं उसमें आरएनए और जो जंतु वायरस होंगे उसमें क्या होगा? डीएनए होगा। चलिए आगे देखें। जंतु वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ किस रूप में होता है? डीएनए, आरएनए, डीएनए एवं आरएनए या डीएनए या आरएनए? तो इसका जो सही जवाब है मोस्टली होता है डीएनए के रूप में, लेकिन ये डीएनए या आरएनए के रूप में भी हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा भाई? डीएनए या आरएनए। चलिए आगे देखिए। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या लुईस पाश्चर के द्वारा? और इसका जो सही जवाब है वो है लिवेनहॉक। लिवेनहॉक के द्वारा जीवाणुओं की खोज की गई थी। आवृत बीजी पौधों के बीज में होता है। आवृत बीजी पौधों के बीज में होता है। बीज के अंदर क्या उपस्थित होता है आपको वो बताना है। केवल एक बीजपत्र, केवल भ्रूण को पोष, केवल मूलांकुर तथा प्रांकुर या सुप्त भ्रूण? देखिए आवृत बीजी पौधों के बीज के अंदर जो है वो सुप्त भ्रूण होता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों में होने के बाद ये कैसा होता है? अंकुरित होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? सुप्त भ्रूण। आगे देखिए। कौन सा फल नट है? कौन सा फल नट है? तो इसके ऑप्शन है मूंगफली, सुपारी, अखरोट या काजू? तो और इसका जो सही जवाब है वो है काजू, जो है एक प्रकार का नट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड? देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई की बात करें तो क्या होगा भाई? मोनोसेक्राइड्स होंगे। न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए की संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड के रूप में होंगे, लेकिन प्रोटीन जो कि शरीर के बॉडी बिल्डर्स कहलाते हैं, शरीर का निर्माण करने का कार्य करते हैं, उसकी जो संरचनात्मक इकाई है वो अमीनो एसिड होती है। तो इसका जो सही जवाब है क्या है? अमीनो एसिड। चलिए एक और प्रश्न देखिए। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के परागकणों पर जाना क्या कहलाता है? समकाल परिपक्वता, भिन्नकाल परिपक्वता, जिटोनोगेमी या जीनोगेमी? देखिए जिटोनोगेमी का मतलब क्या है? ये देखिए परागण की क्रिया की बात हो रही है यहाँ पर, और परागण क्या कहलाता है? परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। और दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भी? स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या है कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के परागकणों पर जाते हैं तब इसको क्या कहा जाता है? स्वपरागण। और ये भी दो प्रकार के हो गए, उसी पुष्प के या फिर ये हो सकता है कि उसी पौधे के दूसरे पुष्प के। तो जिटेनोगेमू इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिटेनोगेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? डब्ल्यू एम स्टेनले, स्मिथ, इवानोवस्की या स्टाल्कमेन? और इसका जो सही जवाब है इवानोवस्की। इवानोवस्की के द्वारा जो है
वायरस की खोज की गई थी, विषाणुओं की खोज की गई थी। एक सच्चा फल होता है विकसित अंडाशय से, विकसित बीजांड से, निषेचित और विकसित अंडाशय से, निषेचित एवं विकसित बीजांड से। तो इसका क्या जवाब होगा भाई? एक सच्चा जो फल है वो किससे बनता है? एक सच्चा फल जो है निषेचित और विकसित अंडाशय से बनता है। आपको मालूम है ट्रू फ्रूट का मतलब क्या होता है? जो ओरी से बनेगा, ठीक है ना, ओरी से बने। लेकिन कौन सी है? वो कैसा फल होना चाहिए? वो फल होना चाहिए निषेचित के द्वारा बनना। चलिए आगे देखिए। अनिषेचक फल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वह है जिसमें परिपक्व बीजरहित फल होता है, बिना परागण और निषेचन बना हुआ फल होता है, केवल बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन थर्ड है, और इसका सही जवाब क्या आएगा कि बिना परागण और निषेचन के द्वारा बना हुआ फल जो है वो पार्थेनोकार्पिक फल कहलाता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब जैसे अगर बात करें केला, अंगूर, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो इसका सही जवाब हमने देख लिया, बिना परागण और निषेचन से बना हुआ फल। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में, केंद्रक में, राइबोसोम में या केंद्रिका में? देखिए सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। माइटोकांड्रिया जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, केंद्रक जो है वह कंट्रोलर ऑफ सेल होता है, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा राइबोसोम। चले आगे देखें। 20वां क्वेश्चन है, परागण का अर्थ है। जैसा अब इस पर ज़्यादा अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागकण का अंकुरण, परागनली की बीजांड में वृद्धि या पुष्प में कीड़ों का आना। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा भाई? ये आपको मालूम हो गया, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, और पॉलिनेशन टू टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आगे देखते हैं, बीज किससे बनता है? बीज का निर्माण किससे होता है? भ्रूण से, ठीक है, अंडाशय से या बीजांड से? तो बीज का निर्माण किससे होता है भाई? बीजांड के द्वारा होता है। चलिए ये एक और प्रश्न हमारा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इस पे, नारियल में खाने वाला भाग होता है भाई, नारियल में जो खाने वाला जो भाग होता है वह कौन सा भाग होता है जिसको कि खाया जाता है? अगर आप देखें खाने वाला जो भाग है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि इसका जो इंडोस्पर्म होता है या जिसको हम भ्रूण पोष कहते हैं वह खाने वाला भाग होता है। इसमें ऑप्शन में क्या है भाई? आपका ये पहला ही ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपारी का खाने योग्य भाग होता है बीजावरण, भ्रूण पोष, अंतःफल भित्ति या मध्य फल भित्ति, ठीक है। और इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा भाई? इसका जो सही जवाब है भ्रूण पोष। इसका सही जवाब क्या होगा? भ्रूण पोष। चलिए ये हो गया आपका एक और प्रश्न, और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मक्का का दाना होता है बीज, वास्तविक फल, भ्रूण या अवास्तविक फल? तो मक्का का दाना क्या है? एक प्रकार का जो है वो फल है, और कौन सा फल है भाई? वास्तविक फल है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिजैविक अधिकतर किससे प्राप्त होते हैं? अधिकतर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका फॉर्मेशन किससे किया जाता है? जीवाणुओं से, विषाणुओं से, शैवाल से या फंगस से? तो देखिए अलग अलग तरह से प्रतिजैविकों का निर्माण किया जाता है, लेकिन मोस्टली प्रतिजैविकों का निर्माण करने के लिए जो है वो जीवाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या होगा? जीवाणु, बैक्टीरिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा, इसके प्रश्न पसंद आएंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।